तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं लेकर आया हूँ एक और अमेजिंग सा वीडियो, तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल बहुत से वीडियोस ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिसमें हीलियम गैस को इनहेल करते हैं और बताते हैं कि इससे वॉइस चेंज होती है। तो आज हम वही कर देखने वाले हैं। तो मेरे पास आज ये है हीलियम गैस का बलून, तो हम आज इस हीलियम गैस को इनहेल करके देखेंगे इससे आवाज चेंज होती है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि वीडियो को एडिट कर दिया है और वॉइस को चेंज करा है। तो हम आज वही कर देखेंगे इससे आवाज़ चेंज होती है या नहीं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी घंटी को भी बजा दीजिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हीलियम बलून, ये मैंने बाहर मार्केट से लिया है, 10 रुपये में आपको कहीं पे भी आराम से मिल जाएगा। तो हम इसे पहले इनहेल करके देखते हैं। हेलो 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 फ्रेंड्स, इससे आवाज चेंज होती है, आप सुन सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ तो फ्रेंड्स, जिससे आवाज चेंज होती है, हम एक बार और इनहेल ऐसे करके देख लेते हैं। हेलो हेलो, तो फ्रेंड्स इसमें सच तो फ्रेंड्स इससे सच में आवाज चेंज होती है। मुझे भी हंसी आ रही है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इससे थोड़ी देर बाद आवाज नॉर्मल हो जाती है। अब हम ये जानेंगे इससे आवाज चेंज क्यों होती है। इसके कारण आवाज इसलिए चेंज होती है, जो हमारे गले में जो वोकल ट्रैक्ट होती है, जो उसमें जो गैस मॉलिक्यूल होता है उसका टाइप चेंज हो जाता है, और उसके बाद में टाइप चेंज होने के बाद जो स्पीड ऑफ साउंड रहता है वो बढ़ जाता है। किसी किसी का कहना है कि इससे इंटेंसिटी साउंड की फ्रिक्वेंसी या फिर पिच में चेंज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ वो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है और जो ट्रैक्ट में जो मॉलिक्यूल रहते हैं गैस, उसका टाइप चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इससे सच में आवाज़ चेंज होती है, लेकिन इसे कुछ क्वांटिटी में ही इनहेल करना चाहिए। मैंने जब वीडियो बनाया था तो इसके बारे में मैंने पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ा था कि इसे ज़्यादा क्वांटिटी में इनहेल नहीं करना है, उससे आपका गला भी ख़राब हो सकता है। इसे फ़न के लिए नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे के पूरे बलून की हवा अगर आप इनहेल करोगे तो आपका गला ख़राब होने की चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी घंटी को भी बजा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।